हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एमएच। और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस टीवाई बैफ में आया हुआ क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टीवाई बैफ में सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेमेस्टर 5, दिसंबर 2022 में आया था। क्वेश्चन नंबर 2A, सेंसिटिविटी एनालिसिस, PQR लिमिटेड, 8 मार्क्स के लिए। ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिर उसी से रिलेटेड और हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो भी एक्सप्लेनेशन होगा बड़ा लॉजिकली होगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या टाइम पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेंसिटिविटी एनालिसिस, क्वेश्चन नंबर 2A। ये फर्स्ट लेक्चर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और भी प्रीवियस वीडियो में, ये मतलब बोर्ड के जो क्वेश्चन है, ये पहला वीडियो बनाया गया है, और भी इससे रिलेटेड है वो हम मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कौन कौन से हम लोग ने टॉपिक कवर किए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि PQR लिमिटेड इज कंसिडरिंग ए प्रोजेक्ट फॉर विच फॉलोइंग एस्टिमेट्स आर अवेलेबल। ये जो कंपनी है कंसिडर कर रही है एक प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कंसिडर करिए, भाई इन्वेस्टमेंट किया है, करना है क्या नहीं करना है, एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है और उसका एस्टिमेट्स क्या है। एस्टिमेट दिया है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, पहला जाएगा 5 लाख रुपए प्रोजेक्ट के अंदर, फिर सेलिंग प्राइस, जो भी प्रोजेक्ट से प्रोडक्ट निकलेगा वो 75 रुपीज़ में बिकेगा पर यूनिट, और उसको बनाने का जो खर्चा होगा, कॉस्ट पर यूनिट 45 रुपीज़ होगा। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, पूरे साल में हम लोग सिर्फ 5000 यूनिट ही बेच पाएंगे। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 5 ईयर्स का है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% है। आपको बताना है कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट विद द प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट मतलब 5 लाख एंड एनुअल कैश फ्लो। एनुअल कैश फ्लो क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे, एंड स्टेट विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव। अब सबसे पहला हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है कि निकालना क्या है, राइट? इसमें सेंसिटिविटी बोला है। अब सेंसिटिविटी तो हम लोग ने टीवी पे ऐड आता है कि भाई आपके टूथ में सेंसिटिविटी है क्या, आप कुछ ठंडा गर्म पीते हैं तो आपके दांतों में झंझनाहट होती है, दैट इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी। अब ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैसे कंसिडर करेंगे कि सेंसिटिविटी होती क्या है, तो उसी को लेंगे। जो ऐड हम लोग ने देखा था टीवी पे, जो ऐड आता है वो ऐड क्या बोलता है कि अगर आप कोई ठंडा या गर्म चीज़ खाते हो और वो आपके टूथ पे दांत के ऊपर लगता है तो दांत में झंझनाहट महसूस होती है। मतलब ज़्यादा ठंडा पी नहीं सकते, ज़्यादा गर्म पी नहीं सकते, जिससे आपके दांतों में तकलीफ होती है। आई बस समझ में, दैट इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी। अब उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग को क्या करना है, ये प्रोजेक्ट की जो डिटेल दी है इससे हम लोग को फाइंड आउट करना है कि भाई हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट और एनुअल कैश फ्लो की सेंसिटिविटी क्या है। तो जब भी ये वर्ड सेंसिटिविटी आएगा ना, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है NPV। अब बोलेंगे सर कैसे पता चला, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, PQR लिमिटेड इज कंसिडरिंग ए प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कंसिडर कर रही है मतलब इन्वेस्टमेंट करेगी, अभी तक किया नहीं है, और एस्टिमेट बोला है फ्यूचर है। जब फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट किया जाए ना, तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि फ्यूचर में क्या होगा उसका आज का वैल्यू क्या है, राइट? तो इस डेटा के हिसाब से हम लोग पहले इसका NPV निकालेंगे और फिर देखेंगे कि सेंसिटिविटी कैसे निकलेगा। आ रही है बात समझ में? क्योंकि ये है फ्यूचर के बारे में, और जब भी फ्यूचर के बारे में कुछ डिटेल दिया होगा आपको निकालना है NPV। आई बात समझ में? मोस्टली 99% केसेस में, अगर कोई डिटेल अलग है तो उसके हिसाब से हम लोग कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो कैसे निकलता है NPV। NPV का और भी हम लोग ने वीडियो लेक्चर डाला है, इंट्रोडक्शन का और भी छोटा छोटा क्वेश्चन डाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग रिपीट करते हैं कि NPV क्या होता है। पहला तो फुल फॉर्म है NPV का, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है? तो कैसे समझ में आया, जब प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल हो, एस्टिमेट के बारे में डिटेल हो, तो NPV निकालने का, ओके? फिर सेंसिटिविटी देखेंगे कि कैसे निकलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहला जो डिटेल हमारे पास दी है वो दी है कि भाई NPV जो होता है ना, NPV का पहले हम लोग फार्मूला देख लेंगे कि फार्मूला क्या है। NPV का फार्मूला होता है NPV इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो।
ठीक है। अब ये दोनों चीज़ निकालनी है, इनफ्लो मतलब जितना भी पैसा आया उसका प्रेजेंट वैल्यू, और कितना भी पैसा गया, तो पैसा कितना गया, 5 लाख गया, वो तो अपने पास है, ये निकालना है कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो मतलब कितना कंपनी के पास पैसा आया है। एनपीवी का मतलब क्या रहता है, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया आज की वैल्यू में। आ रही है बात समझ में? तो हम लोग अब देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकलता है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मतलब हम लोग को कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा। कैश इनफ्लो मतलब इनकम, राइट। तो इनकम से रिलेटेड हमारे पास क्या दिया है, सिर्फ सेल्स दिया है, तो सेल्स को कंसिडर करेंगे। तो क्या लिखने का यहाँ पे, यहाँ पे लिखने का पर्टिकुलर और लिखने का सेल्स, ठीक है। हम लोग को चाहिए कैश इनफ्लो, कितना पैसा आया। तो क्या करने का, सेल्स में जो भी खर्चा है वो माइनस करो। तो कॉस्ट पर यूनिट माइनस करेंगे आप, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो आपको आ जाएगा कैश इनफ्लो। अब सेल्स कितना है ये कंसिडर करो, कितना दिया है, 75 रुपीज़ दिया है। देखो कॉस्ट कितना दिया है, 45 रुपीज़ दिया है, दिया है कि नहीं दिया है। तो टोटल कैश इनफ्लो कितना हो गया, इसको माइनस करेंगे आप तो आएगा 75 माइनस 45 कितना आता है, 30 रुपीज़ पर यूनिट आता है। अब 30 रुपीज़ पर यूनिट आता है, तो हम लोग यूनिट कितना बेच रहे हैं, 5,000। 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.5 लाख। आ रही है बात समझ में? तो इसको पूरा टोटल करेंगे, कैसे टोटल करेंगे, आपके पास यूनिट कितना है, ये तो पर यूनिट दिया है, और आपके पास यूनिट कितना बेचने वाले हो, 5,000। तो 75 को 5,000 से मल्टीप्लाई करो तो 3,75,000 आएगा। ये देखो ये किया है। फिर उसी हिसाब से 5,000 को मल्टीप्लाई करो 45 से, तो देखो आंसर आएगा इतना। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका कैश इनफ्लो कितना आएगा, 1.5 लाख। तो ये कैश इनफ्लो क्या है, ये पर एनम है, हर साल होएगा। और ये कितने साल तक चलेगा, ऐसा 5 साल तक चलेगा, मतलब एक साल का ये कैश इनफ्लो पर ईयर हो गया। तो एक साल का कैश इनफ्लो कितना हो गया, 1.5 लाख। ये निकालने के बाद अपने को ये कब तक चाहिए, 5 साल तक चाहिए ना। तो यहाँ पे अब ईयर लिखने का, क्या लिखने का, ईयर। तो हम लोग लिखेंगे पहला ईयर, इतना समझ में आया ना। अब लिखेंगे हम लोग ईयर, ईयर के बाद हम लोग के पास कितने ईयर हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5 साल है तो 5 साल लिख लेंगे, ठीक है। और 5ों साल में फिर हम लोग को क्या लिखना है, कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो कितना है, 5 साल का ये। अब ये जो चीज़ है ना, ये हर साल आपको 1.5 1.5 लाख रुपया मिल रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज जो 1.5 लाख रुपया मिलेगा, 5 साल के बाद जो 1.5 लाख मिलेगा उसका वैल्यू अलग होता है। मतलब आपको हार्ड कैश 1.5 लाख ही मिलेगा, लेकिन उसका जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग फैक्टर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10%। अब बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि मार्केट में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चल रहा है कि बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो उसका खर्चा कितना जाता है, 10%। तो हम लोग इस हिसाब से उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो 10% है, पीवी फैक्टर आएगा 0.909909। कैसे निकाला था, अगर नहीं आता है तो 1 डिवाइड बाय 1.10 याद रखना। अगर 10% है तो 11 है तो 1 डिवाइड बाय 1.11, अगर 0.9% है तो 1 डिवाइड बाय 1.09। इस तरीके से करने का, कैलकुलेटर पे करने का, इक्वल दबाने का। फिर सेकंड इक्वल दबाएंगे ना तो आपको आंसर आ जाएगा 0.826। फिर तीसरा ये आएगा, फिर चौथा ये आएगा, ये पाँचवा ये आ जाएगा। इसका मतलब अगर आज 1 रुपया है ना, आज आपके पास कितना है, 1 रुपया है, वो 10% के हिसाब से मार्केट में जो कॉस्ट चल रहा है, इंटरेस्ट चल रहा है, जो मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, उसके हिसाब से 1 साल के बाद उसका वैल्यू हो जाएगा 90 पैसा, 2 साल के बाद 82 पैसा, 3 साल के बाद 75 पैसा, 4 साल के बाद 68 पैसा, और 5 साल के बाद 62 पैसा। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 रुपया चेंज हो जाएगा, नहीं, 1 रुपया तो 1 रुपया की जगह ही रहेगा, लेकिन उसकी जो परचेजिंग पावर रहेगी वो इतनी हो जाएगी। तो ये भी आपको इक्वल मिल रहा है, लेकिन इसकी परचेजिंग पावर इतनी है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा आपका ये, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर आएगा ये, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपको आंसर आएगा ये, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा ये। देखो 1.5 लाख तो मिला लास्ट वाला, देखो 1.5 लाख तो मिला, लेकिन उससे आप कितने चीज़, कितने वैल्यू की चीज़ खरीद सकते हो, सिर्फ 93,000। मतलब उसका जो एक्चुअल वर्थ रहेगा वो 93,138 रहेगा। आई बात समझ में? इसका टोटल कर लेने का 5,68,000, मतलब टोटल आपको देखो यहाँ पे कितना मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे टोटल करूँ तो आपको पूरे 5 साल में 7.5 लाख रुपया मिलेगा, मिलेगा, यस, आपके अकाउंट में 7.5 लाख रुपया क्रेडिट भी होगा, लेकिन ये 7.5 लाख
का एक्चुअल जो वैल्यू रहेगा वो सिर्फ 5,68,618 रहेगा। आ रही बात समझ में? तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हो गया, ठीक है। तो हम लोग को एनपीवी निकालना है, एनपीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो ये इनफ्लो आ गया, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, आज कितना का इन्वेस्टमेंट है, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5 लाख का, तो 5 लाख नीचे लिखने का, ठीक है, 5 लाख नीचे लिख दिया, ठीक है, 5 लाख नीचे लिखा। अब इसमें से माइनस करने का, ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। इसी को देखो यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, आपका आ गया एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। समझ में आया कितना है नेट प्रेजेंट वैल्यू? 68,000 है। मतलब आपको बेनिफिट जो मिल रहा है पूरे 5 साल में वो 68,618 है, यह एक्चुअल मॉनिटरी वर्थ है, राइट। तो ये निकालने का, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना एस्टीमेट का, ऐसा प्रोजेक्ट दिया रहेगा, सेलिंग वेलिंग दिया रहेगा, तो हमेशा एनपीवी निकालने का, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन में चेंजेस होता है, दैट वी विल सी क्वेश्चन वाइज जब क्वेश्चन आएगा। तो अब हम लोग इसकी चेक करेंगे क्या, सेंसिटिविटी। गर्म पानी ठंडा पानी पियेंगे तो दांतों में झंझनाहट, तो उसी हिसाब से अब देखो इसमें क्या झंझनाहट होती है। तो बहुत सिंपल तरीका है, हम लोग क्या करेंगे इसमें, आपको सेंसिटिविटी चेक करनी किसकी, प्रोजेक्ट की, और प्रोजेक्ट विद किसके साथ, प्रोजेक्ट के कॉस्ट के साथ। तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, 5 लाख है, और एनुअल कैश फ्लो के साथ। तो एनुअल कैश फ्लो कितना आया, 1.5 लाख आया कि नहीं आया, यहाँ पे दिया है ना कैश इनफ्लो पर ईयर 1.5 लाख, तो 1.5 लाख के हिसाब से। तो यहाँ पे पहले मैं लिखूँगा सेंसिटिविटी ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, फिर नीचे लिखूँगा सेंसिटिविटी ऑफ एनुअल कैश फ्लो। और क्या करने का पता है, सबसे पहला इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, ऊपर लिखने का, न्यूमरेटर में लिखने का एनपीवी, ऊपर लिखने का एनपीवी, और नीचे जिस चीज़ की सेंसिटिविटी आप चेक करो, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो नीचे लिखने का प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो कितना है प्रोजेक्ट कॉस्ट, इधर क्या है एनुअल कैश फ्लो, तो एनुअल कैश फ्लो, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देने का कितने से मल्टीप्लाई करने का, 100 से ही करते हैं, राइट। तो ये 100 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, बन गया फॉर्मूला, ठीक है। तो आप सेंसिटिविटी चेक करें, तो सेंसिटिविटी चेक करोगे ना तो आपको एनपीवी लेना है डिवाइड बाय जिसके साथ सेंसिटिविटी चेक करनी है वो लेने का। आ रही है बात समझ में? तो ये जो एनपीवी है ये आपके टूथ है, दांत है, राइट। अब ये गर्म पानी है या ठंडा पानी है, राइट। अब इससे एनपीवी पे क्या इफेक्ट आएगा वो हम लोग को देखना है। तो एनपीवी कितना था, 68,618, ये थोड़ा मैंने राउंड फिगर कर दिया है, चलेगा, इसको हम लोग कर लेते हैं 18, ठीक है। और फिर इधर के इतना है प्रोजेक्ट कॉस्ट 1.5 लाख, और फिर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 100 से करोगे कि नहीं करोगे, राइट। तो ये हो गया आपका 68,618 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100। सेम वे में यहाँ पे एनपीवी कितना आएगा, 68,18 आएगा, ठीक है। और नीचे कितना आएगा एनुअल कैश फ्लो, 1.5 लाख आएगा। आई बात समझ में, यस और नो? और इनटू कितने से करेंगे आप, 100 से करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ये। अब इसको कैलकुलेटर पे करो, 68,618 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, तो आपको एक परसेंटेज मिलेगा 13.72%, और इधर पे आपको एक परसेंटेज मिलेगा 45.75। अब आप लोग बताओ, ये परसेंटेज तो आपको समझ में आया, अब आप बताओ कि एनपीवी जो है सेंसिटिविटी, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। सेंसिटिविटी ये होता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो तो उसमें इन्वेस्ट करने पे आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है उसके लाइफ टाइम का, पूरे लाइफ टाइम का बेनिफिट कितने मिलने वाला है, 68,618 मिलने वाला है। अब ये 68,618 आपको जो मिला है ये क्यों मिला है, क्योंकि आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया और आपको हर साल का जो इनफ्लो हो रहा है वो 1.5 लाख हो रहा है, तब जाके आपको 68,618 मिला, बराबर है कि नहीं। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर मैं 10 लाख करूंगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, अगर मैं कैश इनफ्लो 1.5 लाख की जगह और कुछ चेंज होएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो सेंसिटिविटी क्या बोलता है कि आपके एनपीवी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब सेंसिटिविटी को अगर एक लाइन में आप मतलब एक्सप्लेन करें तो एक वेरिएबल के ऊपर दूसरे वेरिएबल का क्या इफेक्ट आ रहा है। तो सेम वे में ना ऐड को ध्यान में रखो, दांत है आपके, टूथ है, दांत है, उस एक एक वेरिएबल हो गया, ठंडा पानी ये दूसरा वेरिएबल होगा। जितना ठंडा पानी पियेंगे आप तो दांतों पे उतनी झंझनाहट होगी, कम ठंडा पियेंगे तो कम झंझनाहट होगी। तो सेम वे में जो एनपीवी आया 68,618, इसके ऊपर चेंजेस क्या होगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट को चेंज करो तो ये भी चेंज, एनुअल कैश इनफ्लो को चेंज करो तो ये भी चेंज। आ रही है बात समझ में? इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी।
तो आपको ये परसेंटेज निकाल के रख देना। अब ये बताना है कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन है। तो आप बोलेंगे सर ये जो 45% है ना सबसे ज़्यादा आ रहा है तो ये सेंसिटिव है। नहीं, जो सबसे कम वाला है ना वो सेंसिटिव ज़्यादा है। तो यही लिखने का, प्रोजेक्ट कॉस्ट इज मोर सेंसिटिव फैक्टर कंपेयर टू एनुअल कैश फ्लो। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसा, इधर तो 45 जो ज़्यादा है, आप बोले ना ज़्यादा झंझनाहट होती है। यस, वो एक्सप्लेनेशन के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ये है। कैसे मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। आपको इनकम कितना हो रहा है पूरे 5 साल में, 68,000। इन्वेस्टमेंट कितना किया, 5 लाख किया, मतलब 5 लाख इन्वेस्ट करते 70,000 कमाते पूरे 5 साल के अंदर, बराबर है। अब आप इनफ्लो लो, एक साल में आपका इनफ्लो कितना है, 1.5 लाख। 1.5 लाख के ऊपर आप ऐसा समझो कि आपने 68,618 कमाया, तो ऑलमोस्ट हाफ कमा लिया ना। यहाँ पे कितना कमाया, हाफ थोड़ी कमाया, बहुत कम कमाया आपने, सिर्फ 13% कमाया। और यहाँ पे कितना है, 45%, अराउंड 50% आपने कमा लिया। तो कौन ज़्यादा सेंसिटिव है कि भाई इधर पे कितना भी इन्वेस्टमेंट करो इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है, इसके अंदर कितना है थोड़ा भी किया तो अपने पर ज़्यादा प्रॉफिट आने लगा। तो सेंसिटिव जो होगा वो सबसे कम वाला लेने का। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट इज मोर सेंसिटिव फैक्टर कंपेयर टू एनुअल कैश फ्लो। समझ में आया, ये 8 मार्क के लिए आया था। तो मैंने ट्राई किया है आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करने का, आप इसको गो थ्रू करो और कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।